हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन 2D रैम एंड 2.5D रैम। सबसे पहले 2D रैम के बारे में पढ़ते हैं। 2D रैम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इन द 2D रैम ऑर्गेनाइजेशन ए रैम ऑफ 2 की पावर n इंटू एम कंटेनिंग 2 की पावर n मेमोरी वर्ड्स ऑफ m बिट ईच। अगर ये रैम का साइज दे रखा है 2 की पावर n इंटू एम, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर n मेमोरी वर्ड्स हैं और हर वर्ड m बिट का है। जैसे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन लिया 2D रैम का 32 इंटू 4, तो 32 इंटू 4 का मतलब होता है 2 की पावर 5 इंटू 4, यानी 2 की पावर 5 मेमोरी वर्ड्स हैं और हर वर्ड कितने बिट का है? 4 बिट का है। तो देखिए, टोटल आपके 32 वर्ड्स हैं और हर वर्ड कितने बिट का है? 4 बिट का है। B0, B1, B2, B3 आर द इंडिविजुअल बिट्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 32 रोज हैं, एक बार में एक रो को सेलेक्ट करना है अगर मेमोरी को रीड करना है किसी वर्ड को। तो रो सेलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रो सेलेक्ट डिकोडर का यूज़ करते हैं। रो सेलेक्ट डिकोडर का साइज कितना होगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पर, जो हमने 2 की पावर 5, अगर हमने 32 को क्या लिखा 2 की पावर 5, 5 क्या है हमारा? 5 बताता है कितनी एड्रेस लाइन्स रिक्वायर्ड होंगी इस मेमोरी के लिए। तो 5 अगर एड्रेस लाइन्स है तो डिकोडर का साइज कितना होगा? 5 × 2 की पावर 5 डिकोडर, 5 × 2 की पावर 5 डिकोडर, क्योंकि डिकोडर का साइज हमेशा कितना होता है? 5 × 2 की पावर 5। 5 × 32 का डिकोडर यूज किया जाएगा। डिकोडर का क्या काम होता है? एक बार में एक ही लोकेशन को एक्टिव करना, बाकी सारी लोकेशन डीएक्टिव हो जाती है। तो 5 एड्रेस लाइंस हो गई, उसके करस्पॉन्डिंगली इसने कितने कॉम्बिनेशन जनरेट कर दिए? 2 की पावर 5, यानी कि 32, D0 से लेकर D31 तक। पहली बार में जब हम यहाँ पे एड्रेस लेंगे 0000000, तो कौन सा इसका डेसिमल वैल्यू कितनी होती है? D0, यानी 0 होगी 0000 की वैल्यू। तो सिर्फ D0 की वैल्यू एक्टिव होगी, 1 होगी, और बाकी सारे जितने भी D1, D2, D3 up to D31 है सब क्या होंगे? 0 होंगे। तो सिर्फ D0 एक्टिव होगा, यानी ये वाला वर्ड एक्टिव होगा और इससे रीड किया जाएगा, ये वाली रो एक्टिव होगी। जब मैं यहाँ लूँगा 0001, तो उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 1। इसका मतलब उस समय D1 एक्टिव होगा, बाकी सारी लोकेशंस क्या होंगी? डीएक्टिव होंगी। तो 1 लोकेशन से डेटा रीड किया जाएगा वर्ड। ऐसी जब वैल्यू क्या होगी? 1111, तो वो कितना होता है? 31, यानी W31 D31 एक्टिव होगा, बाकी सारे क्या रहेंगे? 000, ये सिर्फ ये क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो इस वाली लोकेशन से डेटा रीड किया जाएगा। तो हमने जो डिकोडर यूज़ किया है वो क्या कर रहा है? एट ए टाइम एक रो को सेलेक्ट करके दे रहा है, एक ही रो को डिकोड कर रहा है, बाकी सारी रोज को डिसेबल कर रखा है इसने, जिससे कि हमें जो भी वर्ड रीड किया जाएगा उसको हम रीड करना है उस पर या राइट करना है, जो भी ऑपरेशन करना है हम कर सकते हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ, इट इज ए रो सेलेक्ट डिकोडर ऑफ साइज n × 2 की पावर n, जो डिकोडर का साइज है, टू सेलेक्ट 1 out of 2 की पावर n मेमोरी वर्ड, 2 की पावर n मेमोरी वर्ड्स में से एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है, हर रो में m कॉलम्स हैं, हर कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईच इंडिविजुअल बिट को रिप्रेजेंट कर, हर कॉलम के अंदर इंडिविजुअल बिट्स हैं। ठीक है, अगली चीज, इन 2D रैम ऑर्गेनाइजेशन हार्डवेयर इज फिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, कोई सा भी रैम का साइज हो, मान ली रैम का साइज है 1024 × 8, तो क्या करेंगे हम 1024 रो यूज़ कर लेंगे और हर रो के अंदर 8 बिट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कॉलम यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर डिकोडर कितने का यूज़ कर लेंगे? 10 × 2 की पावर 10 का डिकोडर यूज़ कर लेंगे, लेकिन फॉर्मेट यही फिक्स रहेगा कि यही हमें इस तरीके से यूज़ करना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब हार्डवेयर इसमें फिक्स रहता है। और जब अगर मान लो 1024 × 8 यूज़ करना है, तो 1024 ही रो आएंगी, जैसे 32 × 8 का मतलब 32 ही रो आ रही हैं, उससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स फिर क्या होंगे? ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि उतना ही बड़ा डिकोडर होगा जितना यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब जितना बड़ा डिकोडर का साइज होगा उतनी ही हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ज़्यादा लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ेगी उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और इसी वजह से ये क्या होता है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये तो सिंपल, हमने जो रैम आपने पढ़ी भी होगी कि उसमें एड्रेस लाइन्स होती हैं, एड्रेस लाइन डिकोडर से के थ्रू आपकी मेमोरी से या रैम से कनेक्टेड रहती है। तो ये सिंपल आपका जो हमने रैम पढ़ी हुई है वो कौन सी रैम होती है? 2D रैम होती है। अब आते हैं 2.5D रैम, जिसने इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को दूर किया। कैसे? कि अगर मान लो ये 32 रोज हैं, क्या 32 रो बनानी जरूरी है? अगर हमें 32 × 4 का साइज बनाना है, क्या कम में काम नहीं चल सकता? या जैसे अगर साइज होते 1024 × 8,
तो क्या 1024 रोज बनाने की जरूरत है हमें? 1024 अगर रो बनाएंगे तो डिकोडर भी बहुत बड़ा यूज होता है, 10 × 2 की पावर 10 डिकोडर, ठीक है। तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है कि छोड़ कम में काम चल जाए? तो वो सॉल्यूशन आया 2.5 DRAM से। इसने कहा सब कुछ इतना ही रहेगा, सेम साइज रहेगा, और हम दिखाने जा रहे हैं इसी रैम को 32x4 को 2.5D RAM से बनाकर कम लॉजिक गेट्स में सिंप्लिसिटी के साथ, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो ये क्या है, इसका एडवांस वर्जन है जिसने इसकी जो सर्किट था या हार्डवेयर था उसको क्या कर दिया, साइज रिड्यूस कर दिया, सिंपलर बना दिया। कैसे बनाया वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले 2.5D RAM में क्या होता है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस आर डिवाइडेड इनटू अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स। 5 एड्रेस लाइंस थी, इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो क्या होंगे, या तो 3+1 3 का हो जाएगा, 1 2 का हो जाएगा, या 1 2 का हो जाएगा, 1 3 का हो जाएगा। अगर 5 एड्रेस लाइंस को डिवाइड करना है, या तो 1 7 3 एड्रेस लाइंस, 1 3 2 का कॉम्बिनेशन बना लो, या 2 3 का बना लो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 फॉर रो सेलेक्ट डिकोडर एंड अदर फॉर कॉलम सेलेक्ट डिकोडर। एक से हम रो सेलेक्ट करेंगे और एक से कॉलम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सिर्फ किसको सेलेक्ट करने के लिए, हमारा रोज को सेलेक्ट करने के लिए, कॉलम के लिए कुछ नहीं है, कॉलम में तो सीधी सीधी बिट्स हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमें पहले रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी फिर कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दो तरह के डिकोडर यूज करेंगे, रो सेलेक्ट डिकोडर और कॉलम सेलेक्ट डिकोडर। अगला पॉइंट देखिए, अब उसकी वजह से क्या है, हार्डवेयर इज वेरिएबल। क्यों, या तो हम 3 × 8 यहाँ यूज कर रहे हैं डिकोडर, 2 × 4 यहाँ यूज कर रहे हैं, या क्या कर सकते हैं, 2 × 4 डिकोडर यहाँ यूज कर रहे हैं, 3 × 8 डिकोडर हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इसका मतलब साइज फिक्स नहीं है, हार्डवेयर फिक्स नहीं है, इट कैन बी चेंज्ड। अगला पॉइंट, लेस नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड होंगे, लेस कॉम्प्लेक्स होगा। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों होगा, ठीक है। हमें वही सेम साइज बनाने, 32 रो यूज कर रखी थी हमने यहाँ पे, ठीक है। अब उसको कैसे रिड्यूस किया वो आप देखिए, कैसे रिड्यूस होंगे आपके गेट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट में रो सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट। रो में देखिए, रो सेलेक्ट में हमने क्या किया, 3 × 8 का डिकोडर यूज किया है, ठीक है। 3 इनपुट हो गए, 8 आउटपुट्स हो गए, यानी 8 रोज आ गई इसमें। अगर 3 एड्रेस लाइन से तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन, 8 रोज आ गई। यहाँ पे कितनी एड्रेस लाइन्स यूज किया हमने, 2 एड्रेस लाइन, भाई 5 ही तो है टोटल, 5 में से 3 इधर कर ली, 2 इधर कर ली, 3 इधर यूज की तो 8 रो इधर आई, 2 इधर यूज की तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 4, D0, D1, D2, D3, तो 4 कॉलम्स आ गए। यानी वर्ड्स के 800 रोज हैं और वर्ड्स के 4 कॉलम हैं, बिट्स के नहीं, वर्ड्स के। 8 रोज ऑफ वर्ड्स एंड ईच रो हैज 4 कॉलम्स, हर कॉलम के अंदर 1 वर्ड होगा, ठीक है। अब वर्ड हर कॉलम के अंदर, यानी हर बॉक्स के अंदर क्या होगा, अगर 4 कॉलम है तो हर किसी के अंदर क्या होगा, 1 1 वर्ड होगा, 4 4 4 ऐसे करके 8 रोज, यानी कि टोटल 32 वर्ड हो गए आपके, 8 रोज, हर रोज के अंदर 4 वर्ड, टोटल कितने हो गए, 32 वर्ड। अब 32 वर्ड में भी हर वर्ड कितने बिट का है, 4 बिट का है। तो देखिए हर वर्ड के अंदर कितनी बिट यूज कर रखी है हमने, 4 4 बिट, 4 बिट 4 बिट 4 बिट 4 बिट, हर कॉलम के अंदर देखिए 4 4 बिट हर किसी के अंदर है, ठीक है। अगर ये 8 बिट होती 32x8 तो हर किसी वर्ड के अंदर आप 8 बिट बना देते। अब मान लो मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करना है, मान लो सबसे पहली लोकेशन सेलेक्ट, तो मैं क्या लूंगा एड्रेस, 0 0 0 0 0, तो 0 0 0 ने कौन सी रो सेलेक्ट कर दी, भाई सिर्फ D0 0 0 है तो D01 होगा, बाकी सब तो 0 होंगे, आपको बताया पहले, ये वाली रो सेलेक्ट हो गई। अब ये तो पूरी रो सेलेक्ट हुई, ठीक है। अब हमें तो भाई पहला वाला वर्ड सेलेक्ट करना है ना सिर्फ, लेकिन इस पर भी क्या वैल्यू जा रही है, 0 0, क्योंकि 5 ही बिट 0 है अगर हमें इसको सेलेक्ट करना है। तो जब हम यहाँ पर 0 0 लेंगे, ठीक है, तो कौन सा एक्टिव होगा, D0 एक्टिव होगा सिर्फ, क्योंकि D0 की वैल्यू 1 होगी, बाकी सारी क्या होंगी, 0 होंगी। अगर D0 एक्टिव हुआ, यानी कि ये वाला कॉलम एक्टिव है, तो कॉलम कौन सा एक्टिव है, ये वाला कॉलम एक्टिव है। रो कौन सी एक्टिव है, ये वाली रो एक्टिव है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू के अंदर कितनी बिट हैं, 4 बिट हैं, तो ये वाली हमारी पूरी 4 बिट हैं, पूरा का पूरा वर्ड, ये वाला पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 0 0 0 1 होता तो रो तो आपकी यही रहती, भाई 0 0 0 है तो D0 ही 1 होता सिर्फ, लेकिन कॉलम कौन सा होता फिर 0 1 की वजह से, D1 वाला एक्टिव होता, D1 वाला एक्टिव होता है, इसका मतलब है
आपका ये कॉलम एक्टिव होता और ये रो एक्टिव होती, तो ये वाला इंटरसेक्शन वर्ड सेलेक्ट होता, यानी इस ये वाला वर्ड, इसके अंदर की कौन सी बिट सिलेक्ट होती, ये चार बिट। ठीक है, क्योंकि हर कोई बॉक्स जो इंटरसेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप में एक वर्ड को, उस वर्ड के अंदर क्या है उसकी जितनी भी बिट्स हैं वो है। तो इस तरीके से हम क्या हमने क्या कर दिया, जो 32 रोज थी उसको सिर्फ कितने में सीमित कर दिया, हमने 8 रोज में सीमित कर दिया। ठीक है, और 4 कॉलम्स में सीमित कर दिया। अगर ये 1024 होता, मान लो अगर एड्रेस 10 बिट का होता, 10 बिट एड्रेस, तो यहाँ पर कितनी रोज होती, 1024 होती रोज, क्योंकि 10 × 2 की पावर 10, 1024 हमें ज़रूरत पड़ती रोज की। और उसके लिए हम क्या समाधान कर सकते थे, 5 आधे आधे में डिवाइड करना है, 5 × 32 भाई 10 को 5 में बटा रहे थे, तो 32 रोज और 32 कॉलम, यानी 1024 रोज बनाने की बजाय हमने कितने सॉल्यूशन निकाल लेते, 32 रोज और 32 कॉलम। ठीक है, पहले हम क्या करते, रो डिकोडर से रो वर्ड, रो वाली वर्ड सेलेक्ट करते, और कॉलम वाले से कॉलम वाली लाइन सेलेक्ट करते, तो आपको इंडिविजुअल वर्ड मिल जाता और उस वर्ड के अंदर जो भी बिट है हम उसको सेलेक्ट कर लेते। इसका मतलब हमें लेस लॉजिक नंबर गेट्स रिक्वायर्ड होंगे और सर्किट भी आपका लेस कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मतलब है कि अगर हम 2.5D रैम यूज़ करें तो ओवरऑल आपका सर्किट क्या हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सकती है। सो 2.5D रैम इज ए मच बेटर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है एज कम्पेयर टू द 2D रैम। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ 2D एंड 2.5D रैम। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दैट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई चैनल kindly share and subscribe. Thank you.